नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का दौरा किया। इस दौरान स्वयं ने नैनीताल जिले का भ्रमण भी किया। वहीं अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने रविवार सुबह करीब 8:40 पर जीडीसी हेलीपैड देहरादून से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री धामी हेलीकॉप्टर से 9:45 पर हल्द्वानी के एसटीएफ हेलीपैड पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी स्थित पार्क में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कचरा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री 12:00 एफटीआई हल्द्वानी से देहरादून को रवाना होंगे। तो सीएम ने नैनीताल जिले का भ्रमण किया है और कचरा मुक्त भारत कार्यक्रम में सीएम ने हिस्सा लिया और स्वच्छता को लेकर संबोधन भी दिया है। सीएम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी फिलहाल हल्द्वानी दौरे पर हैं और सीएम ने नैनीताल जिले का भ्रमण भी किया और कचरा मुक्त भारत कार्यक्रम में सीएम ने हिस्सा लिया। देहरादून में वित्तीय प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। सरकार के सकारात्मक पहल से विकास कार्य को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और सरकार की बेहतर छवि भी जनता के बीच पहुंचेगी। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने कहा है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्कीम फॉर स्पेशल एसिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के अंतर्गत राज्य के लिए सितंबर तक पूंजीगत व्यय के लक्ष्य निर्धारित किए। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य के लिए हर साल लक्ष्य 8,797 करोड़ का 45% पूंजीगत व्यय करने का लक्ष्य था। इस प्रकार लगभग 4,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य है। 29 सितंबर 2023 तक 4,798 करोड़ पूंजीगत परिव्यय हो जाएगा। आपको बता दें कि आमतौर पर वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकारों पर कई आरोप लगाते रहे हैं कि विकास कार्यों के लिए समय धन अपमुक्त नहीं होता है और वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर वह धन लैप्स हो जाता है। तुम तो ऐसे करे अनुग्रह। पिछली बार और पहली बार हमने जो पूंजीगत व्यय है, जो हर बार आप लोग बार बार पूछते थे, साहब आप प्रोविजन तो करते हैं लेकिन खर्चा नहीं होता है, और हमने ये तय किया था कि हम लोग इस बार सितंबर 30 तारीख तक 45% हम लोग उसमें खर्च करेंगे, जो लगभग 3,998 यानी 4,000 करोड़ रुपए की राशि बैठती थी। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार उत्तराखंड में पहली बार हम लोगों ने इसे अचीव किया है। 4,800 करोड़ रुपया यानी 4,798 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय हमने इस 6 माह में हमने कर लिया है। तुम तो ऐसे करे अनुपूरक सवाल। उत्तराखंड राज्य बीज और जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष बलराज पासी जसपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। और इस दौरान बलराज पासी ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और शीर्ष नेतृत्व से ये जिम्मेदारी आई है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों की सेवा, जनता की सेवा और पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी वो काम किया जाएगा। और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मेरे पास जिम्मेवारी आई है और इस जिम्मेवारी के माध्यम से मैं लोगों की सेवा का करने का काम, जनता की सेवा का काम करने का, और जहां पार्टी मुझे लगाएगी वहां लगने का काम मैं करूंगा। और मैं इस अवसर पर सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, हर योजना उसी की तरफ जा रही है, उसके खर्चे बचाने हैं और उसकी फसल का उत्पादन बढ़ाना है। तो बढ़िया बीज अगर किसानों को मिलेगा तभी उसका उत्पादन बढ़ेगा। चौबीस के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठकों का सिलसिला चल रहा है।
वहीं सतीश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ बैठक हो चुकी है। बताते हैं कि दो दिनों तक इसी तरह से बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि पार्टी लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रही है, संगठन के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जा रही है। राष्ट्रीय संयुक्त सचिव संगठन आदरणीय बी सतीश जी प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर प्रवास पर हैं और इसके तहत उनकी विभिन्न प्रकार की अलग अलग संगठनात्मक बैठकें हैं। इसमें माननीय विधायकगणों से, माननीय मंत्रीगणों से और प्रदेश पदाधिकारियों से और हमारे कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं उनसे भी अलग अलग करके सबसे मुलाकात करने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, किस प्रकार से प्रदेश में हम तैयारी कर रहे हैं। रुड़की के रेलवे स्टेशन के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। पंजाब राज्य में विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया। इस मौके पर किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सेठपाल परमार ने कहा है कि पंजाब सरकार ने किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखमेंद्र सिंह खेरा को उनके आवास से गिरफ्तार किया क्योंकि वो लगातार पंजाब सरकार की नाकामी की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पंजाब सरकार जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर ले रही है। पंजाब सरकार ने विधायक सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी पर अच्छा नहीं किया। तो आपको बता दें कि लगातार पंजाब सरकार पर निशाना साधा सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पंजाब सरकार का पुतला दहन रुड़की में किया गया। मामला यह है, पंजाब सरकार ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखमिंदर सिंह खैरा किसान कांग्रेस के और वहाँ से विधायक भी हैं, वो बहुत मजबूत आदमी हैं और इस सरकार की बार बार नाकामे की पोल खोल रहे थे, उससे वहाँ की सरकार ने परेशान होकर उन्हें नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया उनके आवास से और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो मामला उन्होंने उछाला है वो 2015 का मामला है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी कर दिया था। काशीपुर में 35वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह 2023 का कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खेल का शुभारंभ किया जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का स्थानीय भाजपाइयों ने बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा युवा खिलाड़ी देश और विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक उत्तराखंड प्रदेश में आयुष्मान कैंपेनिंग चलाई जा रही है जिसमें 700 रक्तदान शिविर लगने थे। इसमें अब तक 668 शिविर लग चुके हैं और 1,85,000 लोगों ने ई रक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। डॉक्टर रावत ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसा होना गौरवपूर्ण है। देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम पूरे प्रदेश में आयुष्मान कैंपेनिंग चला रहे हैं। इसमें एक तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में 700 और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी तक हमारे राज्य में 668 ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं और जिसमें 1,85,000 लोगों ने अभी तक ई रक्त पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा दिया है। चलिए यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSC.UK.GOV.IN पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है यहीं पर मिल रहा सब, तो यहीं बनाते राशन कार्ड यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं का निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चौमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गांवों की तस्वीर सवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव के जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है, इससे निश्चित है कि यहां का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहां बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहां के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं, द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील सभागार में धानतोल संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर किसानों और राइस मिलर्स की उपजिलाधिकारी रविंदर सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी, कृषि मंत्री सचिव ललित पांडे और वरिष्ठ विपणन अधिकारी जगदीश कॉलोनी के साथ बैठक की। बैठक में किसानों और राइस मिलर्स की समस्याओं पर चर्चा की गई, जहां किसानों ने सरकारी क्रय केंद्र से पहले कच्चा आढ़त शुरू किए जाने की मांग की। किसानों ने सरकार को निर्धारित दर पर समय से किसानों के धान खरीदने की मांग की है। वहीं राइस मिलर्स वालों ने बताया कि जब तक रिजेक्टेड फोर्टिफाइड चावल का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक कच्चा आढ़त नहीं शुरू किया जाएगा। बता दें कि खटीमा क्षेत्र में यूसीएफ, आरएफसी, एफसीआई और सरकारी समितियों के 65 केंद्रों के अलावा सरकारी आढ़त भी शुरू किया जाना है।
ये किसानों का बहुत सारा शोषण हो रहा है यहाँ पर। किसान बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार 143 रुपए रेट बढ़ा है वो किसानों को मिलेगा, मगर ऐसा होता किसानों को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अभी भी आज इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी यहाँ पर कि SDM महोदय कुछ न कुछ समय भाषण देंगे, उस वहाँ पर राज्यपाल हमारे किसान आयोग के उपाध्यक्ष भी आए हैं। अब इन्होंने 5 तारीख का हमें भाषण दिया है कि 5 तारीख तक आप रुक जाएं, हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। सीट के सारे किसान भाई लोग आए थे और साथ में राइस मिल ओनर्स भी आए थे और उपाध्यक्ष माननीय उपाध्यक्ष हमारे किसान आयुक्त भी यहाँ पर मौजूद थे। एक डिस्कशन था क्योंकि कुछ इश्यूज से जो राइस मिलर्स और किसानों के बीच में थे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। मैं कहना है कि कुछ 45 राइस के सैंपल्स मिलर्स के जो हैं वो सरकार द्वारा फेल किए गए थे, तो उसी को लेकर इनका इशू कि जब तक पेमेंट नहीं होता तो हम कच्चा आड़त शुरू नहीं करेंगे। लिहाजा इसमें आप इनकी शासन स्तर में एक मीटिंग होनी है, उसमें कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा। आज से संभवतः आज रात तक हमारी विधान करेगी की पॉलिसी भी आ जाएगी। ऋषिकेश में किट्टी पार्टी में आकर्षक योजना के तहत महिलाओं से लाखों रुपए की रकम ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने ऋषिकेश कोतवाली पहुंचकर पुलिस को अपनी शिकायत दी है। महिलाओं ने पुलिस से जल्द रकम ठगी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रकम वापस दिलाने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल शनिवार को बीजेपी महिला मोर्चा ढालवाला की मंडल महामंत्री उर्मिला गुप्ता के नेतृत्व में 3 दर्जन से ज्यादा महिलाएं इकट्ठा होकर ऋषिकेश कोतवाली पहुंची, जिस दौरान महिलाओं ने कोतवाल खुशीराम पांडे से मुलाकात की। महिलाओं ने कोतवाल को बताया कि बनखंडी निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर किट्टी पार्टी का आयोजन किया। किट्टी पार्टी में आकर्षक योजना के तहत शहर की करीब 100 महिलाओं से 2 साल तक रकम जमा करवाई। समय सीमा पूरी होने के बाद युवक ने महिलाओं की रकम वापस देने की इनकार कर दिया। रकम देने का दबाव बनाने पर महिलाओं के बच्चे किडनैप करने की धमकी तक युवक ने दी। रकम नहीं मिलने से महिलाएं काफी परेशान हैं। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले में केस दर्ज करने की कार्रवाई में जुट गई है। सर, हम लोगों के बीच फ्रॉड यही हुआ कि हम लोगों का 2 साल की किट्टी पार्टी में हम लोग पैसे जमा करते थे और वो पैसा हम लोगों को 2 साल जमा करने के बाद जैसे हमारा पूरा हुआ, हमारी छोटी सी एक्सीडेंट हो गई थी, मैं नहीं आ पाई, हमारे सारे जितने भी हमारे साथ महिलाएं थी, ये जेंट्स हैं, सबका उसमें कमेटी था, उन्होंने किसी को पैसा देने से सबको मना कर दिया, कह रहा है कि वो कमेटी हमारा डूब गया। उत्तराखंड SDF ने 14 साल से फरार चले इनामी कातिल प्रकाश पंत को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए SSP SDF उत्तराखंड आयुष अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2009 में जमीन के बंटवारे को लेकर प्रवास पंत ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से प्रकाश पंत फरार चल रहा है। SSP आयुष अग्रवाल ने बताया कि हत्यारा प्रकाश पंत भारत के कई स्थान, दिल्ली, हरियाणा, बेंगलुरु, तमिलनाडु, गुजरात, पुणे आदि जगहों पर अपनी पहचान छुपाकर अपना नाम ओम प्रकाश रखकर रह रहा था। की टीम हमारी लगातार इसमें इनामी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले 11 महीने में हमने 50 इनामी अपराधी अभी तक पकड़ लिए हैं। इसमें हमारा जो विशेष रूप से फोकस है ऐसे इनामी अपराधी जो कि गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त हों और लंबे समय से फरार हैं, तो ऐसे अपराधियों पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करके उन पर काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी देहरादून SDF की टीम को हासिल हुई है। इसमें 2009 में जो ये अपराधी था, 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था प्रकाश पंत, इसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई थी। विशाल स्वच्छता अभियान में RPF पुलिस ने निभाई भागीदारी, रेलवे परिसर में चलाया स्वच्छता अभियान। खबर लक्सर से है जहां भारत सरकार के आह्वान पर देशभर में विशाल स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में RPF पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और आज सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई अभियान चलाया। पुलिसकर्मियों ने हाथों में झाड़ू लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में फैली गंदगी को साफ किया और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी किया। आपको बता दें कि आज 1 अक्टूबर को भारत सरकार के आह्वान पर विशाल सफाई अभियान का आयोजन किया गया था और इस अभियान में सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को आज के दिन स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई करने और लोगों को जागरूक करने की अपील की थी। विशाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। आ,
स्वच्छता अभियान चल रहा है भारत सरकार और रेलवे प्रशासन की तरफ से, और सभी को जो है जागरूक किया जा रहा है। अपने आसपास घर में अपने कार्यालय में स्वच्छ रखें, स्वच्छ रहेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कभी अपने स्वास्थ्य का और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। वही लालकुआ आरटीओ प्रशासन द्वारा फर्जी तरीके से वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। आरटीओ हल्द्वानी संदीप सैनी के निर्देश पर एआरटीओ हल्द्वानी विमल पांडे, एआरटीओ रामनगर संदीप वर्मा ने गठित टीम द्वारा वाहनों के फर्जी प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा। आरटीओ संदीप सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि लालकुआ क्षेत्र में यह जानकारी मिली थी कि वाहनों के प्रदूषण फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं, जिस पर आज गठित टीम ने लालकुआ में बगैर वाहनों के फोटो के माध्यम से प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा, जिनके खिलाफ लालकुआ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी के साथ ही प्रदूषण केंद्र के लाइसेंस रद्द करने के लिए प्रबंधन आयुक्त देहरादून को रिपोर्ट भेजी जा रही है। साथ ही भविष्य में भी इस तरह फर्जी तरीके से प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे को लालकुआ क्षेत्र से विशेषता ये कंप्लेंट काफ़ी समय से आ रही थी कि वहाँ बिना गाड़ी ले जाए कोई भी व्यक्ति जो है फ़ोन से प्रदूषण का सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। तो उसमें हमने टीम बनाई थी जिसमें हमारे एआरटीओ प्रशासन विमल पांडे जी और एआरटीओ रामनगर संदीप वर्मा जी थे, चार लोगों की टीम थी। पहले हमारे ऑफिसर्स ने वहाँ रेकी करी, देखा कि ऐसे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद एक जो इस टाइप का काम कर रहे थे उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया, और पुलिस को तहरीर दी गई है कि अगर इसमें और भी आगे जांच करें वहाँ पर लालकुआ क्षेत्र में, अगर ऐसी कोई और चीज़ें मिलती हैं तो उस पर विधिक कार्रवाई करें। ये देखिए, हमने हल्द्वानी में भी, उधर रामनगर एआरटीओ साहब ने रामनगर के क्षेत्र में भी हम लोगों ने कई जगह पर प्रदूषण जांच केंद्रों को जांचा, हमने रिपोर्ट भी दी आरटीओ साहब को इसके संबंध में, और गड़बड़ है इसीलिए हम लोग जांचते हैं। गड़बड़ होने की संभावना, हमको शिकायतें मिलती हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है, तो हमने ये आरटीओ साहब ने आरटीओ सर ने टीम बना दी है और हम लगातार ये कार्रवाई करते रहेंगे। हम इसमें नए नए फॉर्मूले सोचेंगे कि किस तरीके से हम उन लोगों को पकड़ सकें। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक कर्मचारी और पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। ओपीएस ब्लॉक महामंत्री सल्ट मदन ध्यानी ने कहा कि शिक्षकों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली की है। उन्होंने कहा है कि हमने संकल्प लिया है कि जो सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लागू करेगी उस सरकार को हमारा पूरा समर्थन रहेगा, अन्यथा हमारा वोट ओपिनियन को जाएगा। सल्ट विकासखंड के करीब 200 शिक्षक दिल्ली के लिए पहुंचे हैं। ऐसा है कि सल्ट क्षेत्र से हमारे यहाँ से हमारी जो एक ही और केवल एक ही मांग है, जो सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन, क्योंकि यह हमारे बुढ़ापे की लाठी है। और ये हम कसम खा के यहाँ से निकले हैं, संकल्प लेके हुए यहाँ से निकले हैं कि जो भी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी हमारा वोट, और वोट केवल और केवल ओपीएस के नाम पे होगा। अपनी नौकरी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है और इस उत्तर में बहुत पीड़ा होती है। आगे के दौर में जब हम महसूस करते हैं ऐसा माध्यम हमारे बना रखा है जिसके माध्यम से आज हमें युवा है, और हम ये बात भली भांति जानते हैं कि 12-13 का गुजारा नहीं हो रहा है, और हम इसी मांग के मद्देनजर भविष्य में अपने लिए ओपीएस की मांग करनी पड़ रही है। पुरानी हमारी स्कीम थी, अगर सरकार ओपीएस लेने में सक्षम है, सरकार उसके लिए तैयार है, तो फिर हमारा ये वाजिब हक है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा टनकपुर पहुंची, जहां विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता, बजरंग दल कार्यकर्ता और केसुरा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ जोरदार स्वागत किया, तथा महिला मोर्चा में शौर्य यात्रा में शामिल सम्मानित रणदीप पोखरियाल प्रांत व सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद, उमाकांत विभाग संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद और प्रांत संयोजक बजरंग दल अनुज बालिया का तिलक लगाकर स्वागत किया। वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बता दें शौर्य जागरण यात्रा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से पत्रीनाथ धाम से जल भरकर शुरू की गई। इसके बाद उत्तराखंड के कई जिलों का भ्रमण करते हुए शौर्य जागरण यात्रा टनकपुर से होते हुए हरिद्वार पहुंचेगी, जहां 6 अक्टूबर को यात्रा का समापन किया जाएगा।
है सौर जागरण यात्रा। हमारे बद्रीनाथ से स्टार्ट हुई थी और बद्रीनाथ होते हुए अल्मोड़ा चंपावत सतीगा होते हुए टनकपुर पहुंची है। अब टनकपुर के बाद ये बनबसा घटीमा से तारगंज पूरा उत्तराखंड में इस यात्रा का स्वागत होना है और यात्रा हमारी जाके कहीं काशीपुर साइड में था समापन होगा। विश्वंद्र परिषद के प्रांत सह मंत्री रणदीप पोखरिया जी, हमारे विश्वंद्र परिषद के प्रांत एक सह मंत्री और है उमा कांत जी, साथ में अनुज बालिया जी और भी अतिथिगण हमारे साथ उपस्थित रहे। उनके सम्मान में, उनके स्वागत में हमारे यहाँ माल्या पड़कर और हमारे महिला मोर्चा द्वारा तिलक लगाकर उनका सम्मान और सम्मान किया गया। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सतीश ने देश विदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्य